please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. 96 रुझान आ गए हैं, 39, 35, 21, 35 कांग्रेस, 39 बीजेपी, बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस से लगातार आगे बनी हुई है, थोड़ी देर के लिए कांग्रेस आगे हुई थी लेकिन फिर बीजेपी आगे हो गई है। जिलों की अगर बात करें तो बीजापुर जिले की 8 सीटों में एक ही अभी तक रुझान आया है जिसपे कांग्रेस आगे चल रही है, बीजापुर से अभी बाकी रुझान आने बाकी हैं। याद रखिए 222 में से अभी तक 96 रुझान ही आए हैं, बेंगलुरु ग्रामीण इलाके के अभी तक एक भी रुझान नहीं आया है। यहाँ पर देखना होगा, ये 4 सीटें हैं, ये 4 सीटें अहम होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो जैसे हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी आगे चल रही है, बेंगलुरु शहरी जो हैं वो 26 सीटें जहां पर मतदान हुआ, 28 है उनमें से 26 में मतदान हुआ, कांग्रेस 7 पर आगे चल रही है और एक उसमें प्लस हो रहा है, बीजेपी 5 पर आगे चल रही है लेकिन एक माइनस हो रहा है। अगर हम मांडिया सीट की बात करें तो क्योंकि कावेरी जल बंटवारे को लेकर के ये सीट पर सबकी नजर है, यहाँ से जेडीएस आगे चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें चित्तापुर जहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे आगे चल रहे हैं। येडियुरप्पा साहब के बेटे क्या कह रहे हैं, विक्रांत ने बात की उनसे, चलते हैं उनके पास। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजेंद्र ये कहा जा रहा है कि हाईएस्ट पोलिंग कर्नाटक में हुई लेकिन नतीजा जो है वो हंग असेंबली का आएगा। डेफिनेटली नॉट, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से बहुमत आएगा, हमारा विश्वास है। किस कितनी सीटों की आप उम्मीद करके चल रहे हैं कि कितनी सीटें आपको इस चुनाव विल क्रॉस 125? जेडीएस की लोग कह रहे हैं कि बड़ी भूमिका हो सकती है, वो किंग मेकर हो सकती है, क्या बीजेपी का जेडीएस से किसी तरह से बातचीत? अभी एक दो घंटा में पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी विश्वास है हमको, स्पष्ट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी। हमने देखा कि सुबह सुबह जब हम यहाँ पहुँचे थे तो 3 पुजारी अंदर गए थे, क्या विशेष कोई पूजा भी करवाई जा रही है जीत को लेकर? शायद कल परसों आए तो वही आपको देखने को मिलेगा, नॉट ओनली टुडे, एवरीडे दिस गोज। एक बस अंतिम सवाल, सिद्धारमैया जी ने कहा है कि वो अपना पद छोड़ने को तैयार है अगर कोई दलित मुख्यमंत्री बनता है, बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि येदियुरप्पा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी भी सूरत में कैंडिडेट नहीं बदला जाएगा? जहाँ तक सिद्धरामैया जी का स्टेटमेंट का सवाल है, इज कॉन्फिडेंट दैट इज गोइंग टू लूज इन बोथ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एज फार एज चामुंडेश्वर एज वेल एज बादामी, दैट द रीजन इज इशूइंग ऑल द स्टेटमेंट्स। एज फार बीजेपी इज कंसर्न, हमको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, सन्माननीय येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे येदियुरप्पा के बेटे जो कह रहे हैं कि हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। कैमरामैन कमल देव के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, बेंगलुरु। 100 से ज्यादा रुझान आ चुके हैं, 101 रुझान अभी तक आ चुके हैं और बीजेपी 42, कांग्रेस 37, टक्कर कांटे की चल रही है लेकिन बीजेपी लगातार आगे बनी हुई है। बेंगलुरु फिर चलते हैं प्रतीक के पास। प्रतीक जी, बिल्कुल लगातार जिस आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, लगातार कांटे की टक्कर और लोग इसी को आंकड़ों की तरफ भी सारे लोग देख रहे थे कि जिस तरह से आंकड़े लिखते हैं कांटे की टक्कर और ये कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा और इसी के द्वारा उत्सुकता बनी हुई लगातार लोगों की। जी 43 बीजेपी, 37 कांग्रेस। आप पहले जब लोगों से बात कर रहे थे तो कुछ कांग्रेस ज्यादा बोल रहे थे लोग, हालांकि ये जरूर देखा जा रहा है शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस ने कुछ बढ़त भी बनाई है, बेंगलुरु में भी बढ़त बनाई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी का सीटें छीनना कांग्रेस से, ये अभी तक की बड़ी खबर दिख रही है प्रतीक? जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर है जो जिस तरह आप बराबर इशारा कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाके में वो लीड कर रही है, लेकिन यहाँ पर बेंगलुरु में जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यशवंतपुर में, यहाँ पे क्योंकि बेंगलुरु का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि लगातार सीटें जो है ना ज्यादा हैं और जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर भी लगातार लोगों की ये नजर बनी हुई है कि आंकड़ों क्या कहते हैं, क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है? कांग्रेस जीतना लग रहा है, जो आंकड़े तो लग रहे हैं किसी की नहीं बन रही है सरकार, ठीक है कुछ होगा उम्मीद है, किसका लग रहा है? कांग्रेस देखिए अभी तो लोग फिलहाल जो मेरे साथ खड़े हैं वो लोग, उनको उम्मीद पूरी कांग्रेस पर है। जी जी हाँ, तो ये आपका सैंपल जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा नतीजों में, क्योंकि नतीजों में या रुझानों में कहें तो बीजेपी आगे चल रही है, 104 सीटों के अभी तक रुझान जो आए। जी जी प्रतीक, कुछ कह रहे हैं? जी बहुत शुरुआती है, लोग कह रहे हैं जी बहुत शुरुआती है और लोगों को लग रहा है कि इसमें कुछ उम्मीद है, जो सपोर्टर होता है वो यही रखता है कि उसे अंत तक उसको लग रहा है यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, तो वो सपोर्टर है लेकिन उसको लग रहा है कि उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। प्रशांत के पास चलते हैं, इलेक्शन सेंटर में अभी तक के जो नतीजे उनमें 44 पर बीजेपी, 39 पर कांग्रेस, 106 के अभी तक रुझान आए। लेकिन कांग्रेस के लिए यह आश्चर्यजनक हो सकता है कि लिंगायत को लेकर बड़ा दांव खेला उन्होंने, अलग धर्म बनाने के लिए पहल की, लेकिन ऐसी कुछ 67 सीटें हैं जो लिंगायत प्रभावित हैं, 26 सीटों के रुझान मिल रहे हैं जिसमें 16 पर बीजेपी आगे चल रही है और 8 पर कांग्रेस आगे चल रही है।
अगर वो उन इलाकों में अगर ऐसी सीटें जिनमें हम लिंगायत फैक्टर की सीटों को पर भी नजर डालेंगे, अगर वो सीटें बीजेपी से छीन रही है कांग्रेस, तब तो कुछ फायदा है, नहीं तो फिर वो फैक्टर जो है वो काम नहीं किया, या जो दांव था वो काम नहीं किया, वो साफ दिख रहा है। लेकिन 20 सीटें लगभग ऐसी हैं जो बीजेपी कांग्रेस से छीन रही है अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, तो अगर -20 में अगर कांग्रेस जाती है तो फिर -20 तो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहेगी। रामकृपाल जी, मैं किशोर जी, अभी तक का जो ट्रेंड आ रहा है, अगर ये थोड़ा सा आगे कंटिन्यू किया तो मैं कर्नाटक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक जो बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है कि जैसे नॉर्थ में गांव और गरीब का नारा बहुत हद तक उसको समर्थन मिला था, जैसे उत्तर प्रदेश में डिमोनेटाइजेशन नहीं चला और बहुत बड़े रूरल संख्या के लोग आए थे, साउथ में यह माना जा रहा था या मध्य भारत में माना जाता है कि बीजेपी अमीरों की पार्टी है, गाँव में हारती है शहरों में जीतती है। ये कर्नाटक में जो कि गेटवे ऑफ साउथ इंडिया है, अगर वहाँ पे ये ट्रेंड हो रहा है कि गरीब आम आदमी गांव में एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है और भले वो शहर में लूज कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो बीजेपी की एक इमेज बदल रही है, जो मोदी बार बार नारा लगा रहे थे ये कि गांव गरीब मैं अंतिम व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूँ, उसका एक्सेप्टेंस अगर साउथ में कहीं मिल रहा है तो मुझे इसके बड़े आगे के संकेत दिखाई देते हैं कि वो जो बीजेपी का कैरेक्टर था कि शहरों की वो शहरी मत अमीरों की पार्टी है ग्रामीणों की नहीं है और बढ़ते हैं, वो साउथ में अगर एक्सेप्ट हो रहा है मतलब उलट हो रहा है तो ये है। नॉर्थ में तो खैर ये एक्सेप्टेंस हो चुका था, उत्तर पूर्व में भी चाहे वो त्रिपुरा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो वहाँ तो एक्सेप्टेंस हो गया था, बट दक्षिण में अगर वो आम आदमी गाँव का किसान मजदूर अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो ये 2019 के लिए एक वो सभी के लिए एक नया चेंज है जी। ये अपने आप में बड़ी बात जो अभी हम लगातार देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी काफ़ी अच्छी बढ़त बनाई हुई है। अमिताभ, आप इस पर क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा किशोर, पिछले 2-3 सालों में ये राहुल गांधी का धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री मोदी की, उन्होंने सूट बूट की सरकार 6 महीने के अंदर बोल दिया और उसके बाद बीजेपी ने पूरा का पूरा पैंतरा बदल दिया है। उनका पूरा ध्यान उसके बाद से ग्रामीण क्षेत्रों पर लगा होगा। आपने देखा उज्ज्वला योजना हो मुद्रा योजना हो जितनी योजनाएँ हैं सब ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस करके लिखी हुई हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला कि कर्नाटक में ग्रामीण क्षेत्रों पर बीजेपी का बहुत ज़्यादा फोकस था किशोर, और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी लगातार बैठ रही। आरएसएस के लोगों ने काम किया है, बीजेपी के वर्कर्स ने काम किया है, बीजेपी के कम से कम 55 से 60 सांसद और मंत्री लगातार कर्नाटक के तमाम क्षेत्रों में बने रहे, एक एक विधानसभा का जिम्मा देखते रहे, तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने ताकत झोंकी है और जड़ों के अंदर तक घुसने की कोशिश की है। जी हाँ, अगर बेंगलुरु शहरी की बात करें तो वहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है, तो जैसा हम लिखा हुआ नीचे दिखाते हैं कि किस जिले में किस पर किसका कब्जा, अब तो हम ये भी लिख सकते हैं कि बेंगलुरु ग्रामीण के जैसे अभी तक कोई नतीजे हैं, लेकिन बेंगलुरु शहरी की अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं कि बेंगलुरु जिले में अभी कांग्रेस आगे दिख रही है, या जैसे हम शहरी इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में कांग्रेस आगे दिख रही है, लेकिन ग्रामीण वोटर बीजेपी के साथ जाता दिख रहा है। ग्रामीण वोटर किसके साथ, अब जो हमने लिखा हुआ है ये ग्रामीण वोटर बीजेपी के साथ भी कहा जा सकता है, या बीजेपी शुरुआती रुझान में ग्रामीण वोटर बीजेपी के साथ इसलिए दिख रहा है क्योंकि 27 सीटें जो है अभी तक 67 के जिनके रुझान आए हैं उनमें बीजेपी के खाते में, और 18 ऐसी हैं जो पिछली बार बीजेपी के पास नहीं थी, +8 है कस्बाई इलाकों में भी, 10 में +8 है कस्बाई इलाकों में। कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी की जो कांटे की टक्कर है उसमें आप ग्रामीण और कस्बाई सीटों पर खास तौर पर नजर रखें। प्रीति बात कही है किशोर, उसी को आगे बढ़ाते हैं। बेंगलुरु अर्बन में 26 सीटें पड़ती है जिनमें 15 के रुझान आ रहे हैं, जिसमें 6 में कांग्रेस आगे चल रही है, 7 में बीजेपी और 2 में JDS। और अगर बेंगलुरु रूरल की बात करें तो अभी तक वहां पर रुझान नहीं आ पा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं HD कुमार स्वामी की, तो इस बार 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं, रामनगरम और चन्नपटना, दोनों सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। अलग अलग जातियों और तबकों पर बहुत ध्यान रखा गया इस राजनीतिक चुनाव में, लेकिन OBC के प्रभावित इलाकों में से 9 पर BJP आके 3 पर कांग्रेस, लेकिन अगर आदिवासी इलाकों की बात करें तो 3 के रुझान मिल रहे हैं जिसमें कि 2 पर कांग्रेस आगे 1 पर BJP, और इसी तरह से मुस्लिम प्रभावित इलाकों में 11 के रुझान मिल रहे हैं, 8 पर कांग्रेस आगे और 2 पर BJP आगे। लेकिन अगर शहरी सीटों की भी बात करें रामकृपाल जी, 12 अभी तक रुझान आए हैं जैसे अगर कांग्रेस के पक्ष में, उनमें भी -2 है, तो शहरी सीटें अगर कांग्रेस के पास हैं तो वो भी वो वाली हैं जो पहले थी और उनमें से कुछ ऐसी हैं जो जा रही हैं। मैं इसलिए शहरी और वो नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि जो बहुसंख्यक आबादी इस देश की है वो चाहे शहर में भी रहते हों गरीब हों, ये एक्सेप्टेंस जो है बीजेपी का करेक्टर ये चेंज हो रहा है
कि जैसे 71 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, एक अल्ट्रा राइट पार्टी आती है और वो सोशलिज्म की बात करती है और उसका एक्सेप्टेंस मिलता है। नॉर्थ में यह हुआ था, साउथ का टेस्ट था। अभी तक माना जाता रहा है कि जैसे ये शहरों में बीजेपी बहुत अच्छा कर लेती है, लेकिन गाँव में कहीं ना कहीं उसे झटका लगता है। तो मैं ये सिर्फ इस मामले में कह रहा हूँ कि साउथ में जो नॉर्थ का ट्रेंड था, अगर वो साउथ में कहीं भी एग्जैक्टली वो नहीं ट्रांसलेट हो रहा हो, लेकिन अगर उस तरह के संकेत मिल रहे हों, तो आने वाला समय जो है, जैसे दो आप 2019 की बात कर रहे हैं, एक सॉफ्ट सोशलिज्म जो इस देश में हमेशा चलता है, चाहे जो पार्टी सत्ता में रहती हो, सब उसकी कोशिश करते हैं, वो चलाने में मोदी कहीं ना कहीं कामयाब होते दिख रहे हैं और वो एक्सेप्टेंस हो रहा है, उसका मिल रहा है। सतपाल जी, ये तो आगे के लिए बड़े खतरनाक संकेत हैं आपके लिए। अगर ग्रामीण इलाकों पर बीजेपी इस तरह से धीरे धीरे हर जगह बढ़ती जा रही है, तो कर्नाटक में आप देख लीजिए। नहीं, उत्तर ये नया राज्य है उनके लिए, और जो जुमलेबाजी है भारतीय जनता पार्टी की, वो जुमलेबाजी वहाँ चल गई है कर्नाटक में, लेकिन उत्तर भारत में तो लोग समझ गए हैं। खासकर अभी आप देख लेना केरला में क्या हाल होने वाला है, गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ, 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उधारी हो गया उत्तर प्रदेश अकेले में, और जहाँ पे चुनाव हो रहा है कैराना में, वहीं पे तीन चीनी मिलों पर 650 करोड़ रुपए का उधारी है। नहीं, देखिए, और वहीं से गन्ना राज्य मंत्री आते हैं। आंकड़े हम सबके सामने हैं शेष जी, आंकड़े हम सबके सामने हैं। कस्बाई इलाके हों, ग्रामीण इलाके हों, वहाँ बीजेपी आ गए, शहरी इलाके कांग्रेस आ गए। ये आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले तो बात भी नहीं होती थी। नरेंद्र मोदी की जो 21 सभाएं हैं, जो रामकृपाल जी कह रहे हैं और अमिताभ कह रहे हैं, वह कराना बाद में तय कर लेंगे, अभी तो यहाँ कर्नाटक में जूझ रहे हैं। वहाँ पे मोदी के जब फोकस है, जो पब्लिक मीटिंग्स हैं उनका आप नाम पढ़िए, तो बेंगलोर के एक मीटिंग है, मतलब 2 बार बेंगलोर शहर गए, बाकी क्या है, चामराजनगर, उडुपी, बेलगावी, कलबुर्गी, बेल्लारी, टुमकुरु, गडक, शिमोगा, चित्रदुर्ग, रायचूर, जमखेड़ी, हुबली, विजयपुरा, कोप्पल, बंगारपेट, चिकमगलूरी, ये सारे के सारे जो रूरल कर्नाटक के इलाके हैं वहाँ पे उन्होंने फोकस किया और संबोधित नमो ऐप से किसको किया, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, एससी, ओबीटी, स्लम मोर्चा। लेकिन 2019 के लिए जो खतरा भी बताया जा रहा था केंद्र सरकार को, वो ग्रामीण इलाकों का, वो किसानों का बताया जा रहा था, जैसे सतपाल जी बात कर रहे थे, इसीलिए तो वहां लगे हुए हैं। देखिए, गुजरात में जो इनको धक्का लगा था, जिसको लेकर के बड़े लोग प्रसन्न हो रहे थे, अपोजिशन के लोग, कि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को झटका लग रहा है, ऐसे ही स्टेट में लग रहा है जहाँ की बीजेपी मानी जाती है, और वाकई सही था कि गुजरात में बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में रूरल अनरेस्ट जो है उसका सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जो ट्रेंड, मैं वही कह रहा हूँ, जैसा अब हमारे मित्र कह रहे थे बीएसपी के, एक बात सही देखे, लेकिन आम चुनाव बीजेपी जीतती है, उपचुनाव आप लोग जीत के खुश होते रहते हो। देखिए, उपचुनाव आप जीतते रहिए, आम चुनाव की बात जब आती है, चाहे वो त्रिपुरा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद त्रिपुरा कब हुआ है, इतने दिनों में क्या किया अपोजिशन ने, त्रिपुरा में भी देखिए स्वीप कर गई। तो मेरा ये कहना है कि ये बड़ी लड़ाइयों के बारे में आप सोचिए, केवल उपचुनाव से कराना हार गए या गोरखपुर हार गए, फूलपुर हार गए। 125 से ज्यादा अभी तक रुझान आ चुके हैं, 126 रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 53, कांग्रेस 45, बीजेपी ने लगातार बढ़त बनाई हुई है, और आप देख रहे हैं क्यों बढ़त बनाई हुई है। नीचे की स्क्रीन पर आप अगर देखेंगे, स्क्रीन के नीचे के हिस्से पर देखेंगे, तो हमें साफ क्लियर होता चला जाएगा कि कहां कहां बीजेपी जीत रही है और किन किन वजहों से बीजेपी को यह फायदा हो रहा है और किन किन से वो सीटें छीन रही है। लिंगायत फैक्टर वाली 67 सीटें हैं जहां लिंगायत फैक्टर काम करता है।